ओ हाय, दिस इज योर ट्रक। नहीं तो ये तोड़ देगा पाइपों को। ये ट्रेलर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्नो से भिगो के निकाला हुआ है। हाल देखो इसका क्या हुआ है। ये वैरों से निकालनी पड़ेगी, ये बहुत हैवी होती है तो वैर वूर कोई टूट ना जाए। इसके ऊपर ज्यादा जोर लग गया स्नो का। ओहो, पीछे तो और भी ज्यादा जोर लगा हुआ है। ट्रेलर भी थोड़ा पीछे लेके आना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अगर अच्छी तरह साफ नहीं करेंगे ना तो इसके अंदर जो स्नो चली गई तो बाद में लाइनें फ्रीज होने का भी टेंशन बनी रहती है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़ती कला होनी चाहिए। जो अपना मेन वाला कैमरा है वो रह गया घर में, तो मेरे ख्याल में मालूम नहीं इसमें आवाज आ रही है कैसी आ रही है। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ अभी बहुत सालों के बाद में। मोबाइल ने पहले अपना बहुत साथ दिया है, पहले सारी वीडियो मोबाइल से बनी हुई है। वो गया जहाज सीधा, मालूम नहीं कहाँ गया। सुबह सुबह दो बार अपना मोबाइल गिर भी चुका है। इतनी LC भी बोलते हैं इसको, पैग भी बोलते हैं इसको, डबल ट्रेलर भी बोलते हैं। मैंने इतनी बार हर वीडियो में बना दी है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टम क्या होता है तो आप बता सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टम क्या होता है। संगल वाली कार निकाली है कि संगल डाल के लेके जाना, ये भी बहुत दिमाग वाला काम है। देखते देखते दो जहाज चले गए ऑलरेडी, मालूम नहीं अपना नंबर कब आएगा यार। हर कोई चीज बाहर के लिए नहीं बनी होती यार। दो मिनट के लिए मोबाइल बाहर लगाया, मोबाइल को बुखार हो गया बाहर भाई, मोबाइल फ्रीज हो गया, मोबाइल बंद हो गया। आज की वीडियो थोड़ी ऐसे ही होगी यार, ठंड बहुत है बाहर और पैसे नहीं है भाई नया मोबाइल लेने के लिए, मोबाइल बहुत महंगे हैं। तो ये देखो चाय लेके आए साथ में, क्योंकि घर से जल्दी जल्दी भाग के आए सुबह उठ के। मोबाइल की बैटरी 4% इसको चार्ज लगाएंगे, फिर थोड़ा चार्ज होगा, फिर इसको बाहर लेके जाएंगे, ये फिर फ्रीज होगा, फिर इसको चार्ज करेंगे, फिर बाहर लेके जाएंगे। थोड़ा आज ऐसा ही चलेगा भाई। मैं MT बाइक लेके निकला हूँ ना आपके सामने, ये यहाँ पे फ्लैशर लगे हुए मेरे, सारी ट्रैफिक आराम से जा रही है। थोड़ा सा रेस करता हूँ, पीछे से ट्रेलर ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं और नीचे से ट्रैक्टर जो है नीचे से घूम के बाहर निकलना शुरू कर देता है। स्केल तक देखेंगे, अगर स्केल के बाद में भी ऐसा हुआ तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो सिटी वाइड होता है ना, सिटी वाइड ज्यादा स्लिपरी होती है। ये जो जहाँ पे मेरे टायर चल रहे हैं वहाँ पे थोड़ी स्लिपरी लग रही है मेरे को। कितना फर्क होता है देखो MT और लोडेड का। दो तीन दिन इसी रोड के ऊपर जा रहे हैं लोडेड लेके, लेकिन अभी थोड़ी सी भी रेस करता हूँ तो ट्रैक्टर जो है नीचे से घूम के ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। ये देखो आया ना, ये देखो, ये होता है ट्रैक्शन कंट्रोल। जब नीचे से आपके टायर घूमते हैं तो आपको निशान आता है ऐसे वाला। भाई आज बाइक बिल्कुल आराम से बन गई, कोई टायर जाम नहीं मिला, सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये सामने स्केल है, स्केल के एक बार क्रॉस करेंगे, अगर क्रॉस करके भी ऐसे वाली ट्रैक्शन रही तो फिर कंपनी को कॉल करेंगे, भाई भी ये ब्रांडेड नहीं जाएगा भाई। ये देखो कहाँ पे सिग्नल है और मैं यहाँ से ब्रेकें लगानी शुरू कर रहा हूँ आराम आराम से, एक्सीलेटर से पैर उठाया हुआ है। आगे जाके मालूम नहीं वहां पे रुकेगा या किसी में घुस जाएगा। ये देखो थोड़ी सी रेस करता हूँ ना तो बन के आ रहा है। फ्लैशर ही लगा देता हूँ, पीछे वाले बंदों को मालूम पड़ जाएगी मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। लोडेड बंदों के टायर नहीं घूम रहे, मेरे ख्याल में लेफ्ट वाला ट्रैक भी सही लग रहा है, इसके टायर बिल्कुल सूखे हुए हैं। आराम आराम से आता हूँ ये वाले ट्रैक में, स्केल तो बंद है, दिस इज बेटर देन सिटी। तो कभी कभी थोड़ा सा पार्ट जो होता है ना वो वाला बैड होता है, अगर थोड़े से पार्ट में से आप पेशियस रख के निकल जाते हो तो आपके आगे आपका सही वाला टाइम आपका इंतजार कर रहा होता है। क्या बात है, कितनी ज्ञान की बात, सुबह सुबह ही हो गई आज। इसका टायर पंचर हो गया भाई का। ये देखो यहाँ पे हाईवे के हालत काफी ठीक है, सूखा हुआ है। ये अभी आया, 12:30 हो गए, मैंने 9 की कॉल की हुई है, मेरे को 9 कॉल आई थी, मैंने इसको कॉल की थी जल्दी जल्दी रोड साफ करो, इतना लेट काम किया यार आज भाई, इसके पैसे काटेंगे आज। आ गया सारा आ गया भाई। बहुत बार आप मेरे साथ में ये वाले रोड के ऊपर गए हो, लेकिन जब विनीपैग से डबल ट्रेलर लेके आते हैं 53 फिट, उसको लेके जाना है सिंगल रोड के ऊपर, तो आपके पीछे ये वाला साइन चाहिए जो मैंने नहीं लगाया, काफी दूर है, निकल जाएंगे, लेकिन टायर स्लिप करने शुरू कर देते हैं यार। जाना मेरे को इस रोड के ऊपर 10 ही है, लेकिन 10 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर मेरे को पुलिस वाले ने देख लिया तो भाई
प्यार मिलेगा, प्यार ये वाला प्यार मिलेगा, यो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखने में सारा काम आसान होता है, लेकिन मेरा मुंह फ्रीज हो गया लगाते। कभी जाके उतारना भी, एक बार क्या हुआ था, मैं पहले एक बार ऐसा लगा के लेके गया, ए बॉक्स के साथ में कन्वर्टर लिया, वापस आ गया, बी बॉक्स जो वहाँ पे छोड़ा उसके पीछे लगा हुआ था, उतारा ही नहीं। कंपनियां पूछा भाई लॉन्ग लोड किधर है, मैंने बोला भाई लॉन्ग लोड तो वहाँ ही रह गया, ट्रेलर के साथ में लगा हुआ। कभी ट्रेन और बस जाती हुई देखी है? नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो अपने सामने ट्रेन हो रही है रिवर्स, दोनों इंजन है, दोनों ये पहले इस तरफ गए, अभी वापस इस तरफ जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमको देख के किसी ने ट्रेन वापस की है रिवर्स। इतना इंतजाम जब मिलता ना भाई, तब तो सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई क्या बात है, अपने को देख के ट्रेनें वापस जा रही है। और देखो कैमरा कहाँ गया, ओ हेलो भाई इस तरफ नहीं, इस तरफ हूँ मैं। सारी जो कॉलें आनी होती है ना वो फोन पे आनी होती है, आपको मालूम है, तो फोन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन जब फोन को कैमरा बनाना पड़ता है फिर कॉलें अटेंड नहीं होती, कॉलें मिस हो जाती हैं। ये लगा दिया हमने कन्वर्टर, मसला क्या हो गया, दो ट्रेलर लेके जाने से यहाँ से लोडेड, अभी मैंने आके यहाँ गेट के ऊपर चेक किया तो गेट के ऊपर ना पेपर पड़े होते हैं जो ट्रेलर ऑलरेडी रेडी होते हैं जाने के लिए। एक ट्रेलर हमारा रेडी है, एक ट्रेलर हमारा रेडी होकर नहीं आया, एक छोटा सा नुकसान हो गया। अभी अगर यहाँ पे एक दो घंटे रुकना पड़ता है तो एक दो घंटे टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मेरा लैपटॉप घर में रह गया यार। पूरा बैग ही घर पे रह गया वो बड़ा। जिंदगी में ना बहुत सारे ड्राइवर देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, लेकिन कोई कोई ड्राइवर और कोई कोई ट्रक ऐसा होता है जो आपके दिल को छू जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रक और ऐसे एक पर्सन से मिलाऊंगा, लेकिन पहले आप उसका ट्रक देख लो। Hi. Hello. This is your truck? No, this is a company truck for Portage Transport. I've never seen truck like this on road. Yeah, I'm very lucky. Can you allow me to come to the other seat? Yeah. Thank you very much. Bhai, permission li hai. Oh, wow. It's pink everywhere, huh? Can I put my shoes here? Yeah, that's fine. I have to ask, but it's very clean. I was surprised, like all the pink and color is very good. Yeah, I drive this truck. Okay. I drive two trailers. Mm-hmm. How many years you are working on truck? Almost 13. It's not US's companies. Yeah. I think it's 200K plus I would the think price of this. Yeah, I would think so. And they had it painted at the factory, black with the pink frame. Riding on the back like... Quite like a girl. I feel like... Yeah, yeah, it's very nice. Totally good, yeah. Appreciated. Mm-hmm. A lot of people are watching you now. You want to say something? I'm having a lot of fun doing truck driving. You are driving alone this? Yep. You are driving alone in this winter, like slippy roads and everywhere. Yeah, I don't like the winter very much. it's very tough. Everybody does not. Yeah. Yeah. So where you drive it, like Manitoba wide or everywhere? US. Across the border. Yeah. Oh, okay. So middle in the US? A lot of Midwest, yeah. I have been to the East Coast, I have been to the West Coast, but I like to stay more Midwest area. The steering also pink, mm-hmm. and hair also pink. I like to match everything and CV. CV is also pink, huh? So all the curtains, seats, mm-hmm. everything is pink. So we can call it pink ladies truck. Yes, very much. What is this? This is the brakes, huh? Yeah. Oh wow! Taylor one and this tractor. Whenever I can find something on the road that's pink, I buy it.
Oh, really appreciate it. I'm enjoying it. Yes, this is very first obsessive. And that's what I think is neat about trekking too, is that you meet lots of interesting people. Yeah. You're spreading a good word of trekking, positivity. Yeah. So that's when, nice. When you go on the roads, there is a lot of Indian peoples like me. So what do you think about that? We're all doing the same job. So is there any way we are bothering you and something like that? No. No? Not at all. It's good, huh? Yeah. Yeah, everybody do their own work. Yeah, as long as everybody's out on the road enjoying themselves, driving safely, getting the job done. All out here for a common goal, you know, do the same thing. Yes. This is for the radio, all touchscreen. Oh, it's touchscreen now. Mm-hmm. So what model is this? It's a recent model? 2022 389 now. It comes with DAP? It comes with DAP. Yeah. Okay. It has Cummins, huh? Packer. Packer? So what do you think about Packer? Did you drive a Packer before? My last truck was a Packer as well. It was good? Okay. We cannot compare it with CAT, but it is. Yeah. It gets me from point A to point B. Thank you very much for everything. Yeah, thank you for doing a video. It was wonderful. Yes, thank you. Nice to meet you. You will be on YouTube. Okay. Just a few days. Okay. I even have a pink pen. Oh. He has the pink pen. And that's what I would search in YouTube? Yeah. Okay. When you search it, you will find me. Okay. Yeah. But I like Peter Belt and... especially when I see it pink. It is fabulous. Thank you very much. Thank you. Bhai, bhaiya aa gaya bhaiya. Bhaiya sochte ho? This is very different thing. Maine inko apne channel ka name de diya hai, to ye mere ko dhoond legi. Very much. See you soon. Yes, you too. See you on YouTube now. Aise bande hone chahiye trekking mein. 389-22 model means bilkul brand new truck tha. भाई उन भाइयों के लिए थोड़ा सा तर्जमा हो जाए, जो मेरे जैसे भाई हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती थी, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ अभी भी। गोरी का अपना ट्रक नहीं, कंपनी का ट्रक है। इस ट्रक की कीमत कनेडियन डॉलर में 2.5 लाख होगी और इंडियन रुपीस में 1.25 करोड़ के पास में लगा लो, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ से ऊपर होगा ये वाला ट्रक। टैकर की मोटर इसमें 389 है। जब इसका पिंक कलर देखा ना मैंने, तो मेरे को इश्क आ गया ट्रक के ऊपर। लेकिन जब मैंने देखा कि लेडीज चला रही है, तो मेरा और भी हौसला बढ़ गया कि ये तो दिखाना ही दिखाना अपने चैनल के ऊपर कि देखो एक अकेली लेडीज 13 साल से ट्रक के ऊपर है, कोई पार्टनर नहीं है साथ में, अकेले ही यहाँ से मैनिटोबा से विनीपेग से जाती है यूएस मिडवेस्ट में, बाल ट्रेलर उठा लिया, 5-5 दिन के बाद में वापस आती है। मजा आ गया। हर एक दिन रात इन स्लिपरी वेदर में स्टॉर्म में भाई अकेली चलती है। हाँ, थोड़ा सा उसका मुंह जो है ना उसके गियर के लीवर से कवर हो गया, क्योंकि उनके जो गोरों को आदत होती है जो गियर लीवर होते हैं ये लंबा करके रखते हैं, बड़ा करके रखते हैं, यहाँ से यहाँ पे हाथ होता है इसे, यहाँ से कहाँ गियर चेंज करते हैं, तो आम नॉर्मल जो होते हैं लीवर छोटे होते हैं। भाई रात के 8:04 रात के 8:04 हो गए भाई, नींद भी नहीं आ रही, लैपटॉप मेरे पास में नहीं है और आज कुछ ज्यादा ही वेटिंग हो गई। कभी कभी वेटिंग के पैसे अच्छे नहीं लगते। पहला ट्रेलर था ना, लोड वालों ने उनको रिजेक्ट कर दिया ट्रेलर को, अभी दूसरा ट्रेलर यहाँ से लेके गए जो मैं लेके आया, अभी उसमें लोड हो रहा है। 5-6 घंटे का ट्रिप होता है, सिर्फ 5-6 घंटे का। ऊपर वाले के रंग देखो। तो ट्रकिंग में ये सब आम बातें। आज लेकिन मैं प्रॉपर खाना लेके आया हूँ। 5-7 किलोमीटर अंदर ब्रैंडन टाउन है, वहां से जाके हम कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, अभी अपने पास है। ऐसे में क्या टक टच करना होता है, जब टक टच करते हैं ट्रेलर रुकते तो है नहीं, और ज्यादा भागना शुरू कर देते हैं। पिछले बहुत सारे व्लॉग हो गए, मैंने अपने कपड़े जैकेट डाली हुई है और अभी ये वाली कैप पहनी हुई है। कपड़ों का मेरे को शौक बहुत है, मैंने जितनी भी जैकेटें डाली हैं वो भारी बहुत होती हैं, दूसरे वाले जो अपर होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते। ये वन ऑफ द बेस्ट जैकेट है, मैंने कोई ब्रांड की नहीं ली थी, कॉस्को में आई थी 2-3 साल पहले, वहां से उठाई थी। भाई इतना मजा दे रही है ना, अपने आप दिल करता है कि यही जैकेट पहन के जाऊं। इसके नीचे सिर्फ देख लो, आपने हर बार मेरे को देखा ही होता है, हाफ बाजू टी शर्ट है, ये देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ओहो, मेरी इज्जत दिखने लगी। तो लॉग बुक बनाते हैं और निकलते हैं घर को। तो बाइक अपनी रेडी है, देखो देखो ये बंदे से सबर नहीं हुआ और मेरे को डबल येलो लेने के ऊपर ओवरटेक करके गया। भाई क्या लेना है आगे जाके, इतनी बड़ी टिकट मिल सकती है, इतनी बड़ी हैपन हो सकती है यार। आज तो पूरा दिन ही पीटर बेल्ट के नाम हो गया, देखो क्या बात है, ये गया एक और पीटर बेल्ट, लेकिन आपको सामने से दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे को शीशे में दिखाई दे रहा था ना, नहीं तो ये तोड़ देगा पाइपों को, इसको निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। तो वेरे टूटने वाली थी, इसका वजन बहुत ज्यादा है।
अपने ऊपर ना ग्रो चल रहा है ग्रो, पिछले 3-4 दिन से कन्वर्टर की ब्रेकें जाम हो गई हैं। 15 मिनट ट्रक खड़ा करके इसको ठंडा किया है, अभी फिर से सारी लाइनें चेक उतार के दोबारा लगाई हैं। अभी थोड़ा चला के देखते हैं, अगर फिर से धुआं निकला तो सर्विस कॉल आएगी। और आज फ्रॉस्ट बाइट है, 1 मिनट से पहले आपके नंगे हाथ फ्री हो जाएंगे, उसका ब्लड सर्कल रुक जाएगा और काटने पड़ेंगे। घर से निकलता हूँ अच्छे के लिए, बाबा जी को मालूम नहीं क्या मंजूर है, पहले 3-4 ट्रिपों से कोई ना कोई चक्कर रोज चल जाता है यार, लेकिन कोई चक्कर नहीं, हारेंगे नहीं करेंगे। ब्रेकें ठंडी हो गई है कन्वर्टर की, बस अभी फिर से चला के देखता हूँ अगले बार इंटरसेक्शन तक, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा। जब मैंने पाई खड़ी की धुआं निकल रहा था, अभी तो सही लग रहा है यार, यहाँ से कोई धुआं नहीं निकल रहा। ओ यार ये स्नो कब खड़ा छोड़ेगी यार, यहाँ पे भी देखो थोड़ी सी स्नो है, हवा पहले नहीं जा रही, ब्रेकें मेरी पहले ही गर्म हो रही है। अपना टाइम आएगा जब हम भी 100 के ऊपर जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल सबर करना पड़ेगा भाई, सबर का फल मीठा होता है। फल तो अपने पास है यार, देखता हूँ अपने पास मीठा है या कौन सा है। सबका फल खाएगा तेरा भाई, सबका फल खाएगा। वीडियो बना रहे हैं बाहर, ज्यादा मोबाइल लगाते हैं, बार बार बैटरी डाउन हो रही है, ज्यादा बाहर रहते हो ये चीजें फ्रीज होनी शुरू हो जाती है। अगर मफलर नहीं लिया, ये मैदान भी फतेह हो गया, चढ़ती कला में। ओ वाओ, लॉटरी बन गई लॉटरी, ये जाग रहा है अभी। तू खेली है जदा ही, पापा किथे सी, पापा लभदा ही तू? ओए मेरा बुब्बा, मेरा बुब्बा, मेरा बुब्बा। साली थकान दूर हो गई यार इसको देख के, हंस दे आज से 15-20 मिनट मेरे को देखता रहता जब मैं बाहर से आता हूँ कि ये कौन सा बंदा आ गया। भाई वही बंदा हूँ, चढ़ती कला बोल दे कैमरे से, कैमरे से चढ़ती कला बोल दे। एक बात तो श्योर हो गई कि हम मोबाइल से अभी वीडियो बना सकते हैं। 10 बार फ्रीज हुआ, 10 बार बैटरी डाउन हुई, 10 बार चार्ज किया इसको। अच्छा। अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और मैं और अरमान अभी थोड़ा खेलेंगे लंबा। तो अगर चैनल के ऊपर नए हो कर लो सब्सक्राइब, अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा काका, मैं कैसे रब रखा करते हैं ऐसे। अभी आधे घंटे में ना, आधे घंटे में रूम से बाज जाएंगे। भाई इसको सुलाओ, टाइम कितना हो गया। भाई इसको सुलाओ, अभी तक जाग रहा है। भाई इसको सुलाओ कोई। अरमान, अरमान। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I. We can have the world.